गठबंधन और उचाना सीट को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच वार पलटवार का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। बीते दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि दुष्यंत चौटाला का खाली कुर्सी इंतजार कर रही है, जिस पर गोहाना पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने करारा पलटवार कर दिया। दुष्यंत ने कहा कि बीरेंद्र सिंह पहले तो ये तय कर लें कि वो भाजपा में रहेंगे या फिर भाजपा छोड़ेंगे। रही बात मेरी कुर्सी और गठबंधन की, तो भाजपा के साथ जसपा का गठबंधन मजबूती से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मैंने तो अभी तक ये सुना भी नहीं कि हम एनडीए से दूर हो गए, क्योंकि आपने आज भी हम एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में इस चीज पर बैठ के निर्णय होगा और सभी मजबूती के साथ आगे चुनाव। जिस तरह से आपने लोकसभा के जो है प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, उसी जो है विपक्ष कह रहा है कि अलग अलग लड़ेंगे। देखो, प्रभारी नियुक्त करना हमारे दल का ही नहीं, सभी दल का काम है। भविष्य में अलायंस में कोऑर्डिनेटर्स भी तो चाहिए जो लोकल लेवल पर मैनेजमेंट का काम करेंगे, और मुझे लगता है कि सीनियर साथियों की जिम्मेवारी लगाई है जो वहाँ पर बूथ मैनेजमेंट से लेकर हल्का और लोकसभा की टीम्स को कोऑर्डिनेशन में बेहतर। बीजेपी ने बूथ पे जो है बस्ते पहुंचाने भी शुरू कर दिए। अच्छी बात है, ये तो सारी पार्टियां करेंगी। तो गठबंधन का जो क्या वो अपने यार धारा बस चले तो रात्रि तोड़ दो। एक दो दिन पहले सर विजेंद्र सिंह एमपी चार वो ये कह रहा था 10 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, उनकी तो खाली कुर्सी बराबर में बिछवा रखी है जेजेपी की। पहले वो तो तैयारी कर ले, वो रहेंगे बीजेपी में या बाजेंगे। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, जो आदमी तारीख पे तारीख दे लिया छोड़ दूंगा रहूंगा, आज वो क्यों बैठे। हम तो मजबूती से 4.25 साल हो गए अलायंस को चला भी रहे, आगे भी चलाएंगे। और जिस दिन कोई खटास होगी मेरे ख्याल से वो आपके सामने पहले आएगी, हमारे पास तो खबर बाद में आएगी। दरअसल उचाना सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनका पूरा परिवार भाजपा पर गठबंधन तोड़ने का दबाव बना रहा है, और यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत के बीच लगातार वार पलटवार का दौर छिड़ा हुआ है और वीरेंद्र ने भाजपा छोड़ने की चेतावनी भी दे रखी है। हालांकि वीरेंद्र सिंह को अभी भी उम्मीद है कि चुनाव से पहले भाजपा जसपा का गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन दुष्यंत चौटाला को पूरी उम्मीद है कि गठबंधन आगामी चुनावों में भी चलता रहेगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।